नमस्कार। अक्टूबर का मास बड़ा महत्वपूर्ण है और माना जाता है, और शास्त्रों के अनुसार भी इसको सबसे अधिक मजबूत महीना इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कार्तिक मास का प्रतिनिधित्व करता है और भगवान विष्णु का ये महीना है। सूर्य इसमें नीच राशि का होता है। नीच राशि का 12 राशियों में क्या क्या प्रभाव होता है हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बताएंगे कि नीच राशि में जब सूर्य आ रहा है उससे 3 दिन पहले एक ग्रहण है। ये ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण को बोलते हैं इसको। ये सूर्य ग्रहण किसी भी राशि के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अब उसके 3 दिन बाद फिर सूर्य नीच राशि में है। नीच राशि में सूर्य मेष राशि के लिए अच्छा फल नहीं देता क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, पार्टनर तथा पारिवारिक जीवन को, व्यापार को, प्रतिष्ठा को, अपना जो व्यवसाय है उसको नुकसान पहुंचाता है। वृष राशि के लिए ये जो सूर्य होगा नीच राशि का, ये इनके छठे भाव में होगा, ये इनको रोग कारक कह सकते हैं। और सूर्य नीच राशि में अपने जो नीच अंश होते हैं उसमें प्रभावहीन माना जाता है, तो वृष राशि के लिए सुख को छीनने वाला होता है क्योंकि इनके चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। अब मिथुन राशि के लिए भाई बहन का स्थान और उनके पंचम भाव में सूर्य अच्छा फल प्रदान नहीं करता है, लेकिन आपके पराक्रम को कभी भी कम नहीं होने देगा, ये अच्छी बात है। कर्क राशि के लिए चतुर्थ भाव मैं सूर्य ये अच्छा फल इसलिए नहीं देगा क्योंकि नीच राशि का जो केतु के साथ सूर्य और मंगल का जो दुष्प्रभाव है, ये कर्क को धैया होने के कारण भी कुछ अशांत रखेगा, लगभग 1 मास तक अशांत करेगा, 16 नवंबर तक अच्छा फल नहीं देगा। सिंह राशि के लिए इसलिए अच्छा फल नहीं देता क्योंकि इसी की राशि का स्वामी है। जब घर का स्वामी भी ही बुझा हुआ शरीर 0 वाट के बल्ब की तरह से चमकता है, तो घर का स्वामी को देखकर और मेंबर भी बड़े उदास हो जाते हैं। अच्छी बात प्लस ये है कि सिंह राशि को बृहस्पति देखता है, इसलिए जो होने वाले साइड इफेक्ट है उनमें कमी लाता है। कन्या राशि के लिए द्वितीय भाव में धन, कुटुंब, वाणी, नेत्र पीड़ा, पेट का रोग तथा अशांति, तनाव पैदा करने वाला होता है। तुला के लिए नीच राशि में जो सूर्य है वो पाप ग्रहों से ग्रस्त है, लेकिन एक बात पूरी सृष्टि में सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है और प्रचलित है कि जो ग्रह जहां नीच राशि में होगा उस स्थान को तो कष्ट देगा, यानी कि तुला को देगा, लेकिन तुला का जो सप्तम भाव है जहां मेष राशि है वहां पर उसकी उच्च दृष्टि होगी। 12 की 12 राशियों में जिस भाव को सूर्य पीड़ित करता है उसे ठीक सप्तम भाव को पुष्ट करता है, मजबूत करता है। वृश्चिक राशि के लिए द्वादश भाव खर्च, भागदौड़, तनाव, लॉस, व्यर्थ भ्रमण, एनर्जी, उन लोगों की एनर्जी वेस्ट होती है। धनु के लिए निरंतर लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि उनके भाग्य स्थान का स्वामी लाभ स्थान में होगा और गुरु की दृष्टि उस पर पूर्ण रूप से होगी। भाग्य 3-4 तरफ से गुरु की दृष्टि इसको ज्यादा मजबूत करेगी। मकर के लिए दशम भाव में सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा कई प्रकार की अशांति देने वाला होता है। सिर्फ एक ग्रह का फल हम बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि इस एक ग्रह की वजह से ही आपका भविष्य पूरा खराब हो जाएगा। और कुंभ के लिए नवम भाव भाग्य स्थान होगा, तो भाग्य स्थान में जब नीच का होगा तो भाग्य में अवरोध करता है लेकिन आपके पराक्रम को पुष्ट करता है। और
मीन राशि के लिए अष्टम भाव कष्ट देने वाला अशांति नेत्र पीड़ा। मीन राशि वालों का देखा है मैंने, जब भी सूर्य मीन राशि तुला राशि में होगा तो मीन राशि के लिए अष्टम होता है, और हर साल दीपावली आती है तो पटाखे अग्निकांड अक्सर घूम फिर करके बुध मंगल सूर्य शुक्र ये अधिकांश रूप से सूर्य के 30 डिग्री आगे या पीछे रहते हैं या साथ में रहते हैं। मंगल का भी ज्यादातर ट्रांजिट सृष्टि के अनुसार पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए सूर्य के साथ जब अंगारक जैसा योग बनाता है, अति तापी योग बनाता है, तो पटाखों से जिन जिन राशियों के ऊपर मंगल का दुष्प्रभाव होता है उनको अग्नि कांड होने का खतरा या पटाखों से बचना। मैं यहां एक चर्चा करना चाहूंगा। एक व्यक्ति को अग्नि से भय था, हमने बताया, तो वो जब कार ड्राइव कर रहा था इतना सा शीशा उसका खुला हुआ था तो किसी व्यक्ति ने रॉकेट छोड़ा होगा, तो जब मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव हुआ इतना जो शीशा बचा हुआ था उसी में रॉकेट जाकर के गाड़ी में उसके ऊपर गिरा। तो ये जो मंगल ग्रह है वो अपना जो दुष्प्रभाव है या सूर्य है ये अपने दुष्प्रभाव को नहीं छोड़ते, और जन्म के समय वाले जो ग्रह हैं वो उसको उसी तरह से वेद करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं और उसको हिट करते हैं वहां जाकर के। तो इसीलिए सूर्य की उपासना करने से जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं जैसे कि चोट अग्नि भय पटाखे से डर और बिना बात की ईर्ष्या शत्रुता और सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचना अपमान का भय, ये सारे साइड इफेक्ट को कम करने के लिए सूर्य की आराधना सूर्य की उपासना करने से हर प्रकार के दोष को शांत कर देता है, ऐसा ग्रहों का वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। आप लोगों को इस बात को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। रीजन ये है कि इस ड्यूरेशन में दो ग्रहण आ रहे हैं, सृष्टि के अंदर इस प्रकार की खगोलीय घटनाएं बहुत कम होती हैं। जब 15 दिन के अंतराल में दो ग्रह हों, दो ग्रहण होंगे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण और उसी के बीच में सूर्य का संचरण होगा तुला राशि पर नीच राशि में, और केतु सूर्य और मंगल ये तीन पाप ग्रहों के जो कंजक्शन युति है खराब कष्ट देती है। प्लस पॉइंट यही है कि कई राशियों को बचाने के लिए बृहस्पति एकदम सामने कवच के माफिक काम करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।